हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 10 सुभाषित रत्नानी पढ़ाएंगे। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित का अर्थ होता है मधुर वचन, रत्नानी यानी रत्न, मतलब कि मीठे वचन रूपी रत्न, मीठे वचन रूपी रत्न। इस लेसन में आपके 15 श्लोक है। ये सभी श्लोक हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और हितकारी भी है। पहला श्लोक देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलं अन्नं सुभाषितम्। अब जल का जल, अन्नम का अन्न, सुभाषितम का होता है मधुवचन। क्या था उसका? मधुवचन। पृथ्वी पर तीन रत्न है, पृथ्वी के तीन वास्तविक रत्न कौन कौन से है? जल, अन्न और मधुवचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, लेकिन मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। इसकी पूरी गिनती बनेगी, पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और मधुवचन, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। हो गया, पुनः रिपीट कर रही हूँ। पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल, अन्न और मधुवचन, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। विद्यते ही नाम दिया जाता है, विद्यते ही जाना जाता है या दिया जाता है। दूसरा है, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे दुष्यंती जंतव है, तस्मा पदे वक्तव्यम बचने का दर्विता। इसमें प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है, प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है। वक्तव्य, वक्तव्य में तव्यत करते हैं, तव्यत प्रत्यय वच आपका धातु है, तो प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अगर आप प्रिय वाणी बोलते हो तो मानव तो है ही, जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, वो भी आपको पसंद करते, आपके प्रिय बन जाते हैं। तो प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, इसलिए हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी गलतियां करती उसी, अगर आप इससे प्रिय वाणी से बात करते हो, मधुरता से बात करते हो, तो आपका कुछ नहीं जाता है, वो आपका पैसा या आपका कोई किसी प्रकार की दंदौलत नहीं लेता है, आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल आपको मीठा बोलना है, उससे वो भी आपका अपना बन जाएगा। इसलिए कहा गया है कि हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पुनः रिपीट कर रही हूँ, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे दुष्यंती जंतव है, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी गरीबी। तीसरा है, बुढ़े गोरो आयति नोचे आसना प्रसिद्ध है, प्रसाद शिखस्तो अपनी का को न गुरु लायते। हम सभी को पता है कि हम किसी मनुष्य का सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो उसके रुतबे को, पैसे को देते नहीं, बल्कि उसको गुणों को देकर, जो मनुष्य का समाज में सम्मान होता है ना, उसको कोई पुरस्कार मिलता है तो उसके पैसों के जरिए नहीं मिलता, उसके रहन सहन से नहीं मिलता, बल्कि उसके गुणों से मिलता है। इसलिए कहा गया है कि गुणों से भी मनुष्य गौरव प्राप्त करता है, यानी समाज में सम्मान प्राप्त करता है। गुणों से ही मनुष्य गौरव प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जिस प्रकार प्रसाद शिखर तो अपनी, यानी कि महल, प्रसाद का होता महल, शिखर यानी शिखर, यानी महल की चोटी पर, महल के शिखर पर, काको यानी कौवा, यदि कौवा महल के शिखर पर बैठ जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ जाता ना, फिर वो गरुड़ नहीं बन सकता।
गरुड़ की विशेषता क्या है, गरुड़ हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है, दक्ष से ऊंचे हिस्से पर बैठता है। तो कौवा अगर किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाता ना, कभी वो कभी गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं बनता। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का मनुष्य गुणों से ही सम्मान प्राप्त करता है, गौरव प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। इसका कहा महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता। महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता। उन्हें रिपीट कर रही हूँ, मनुष्य गुणों से ही सब गौरव प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जिस प्रकार महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा भी गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता। पात्र पात्र लेको अस्ति धेनु वनद्यो किम् प्रणाम संजायते शीलम शीला संजायते विषम। इसमें कहा गया है कि कौन हमारे योग्य है, कौन अयोग्य होता है, मतलब कौन हमारे साथ रहने लायक है, कौन नहीं है। इसकी तुलना गाय और सांप से की गई है। किससे की गई है? गाय और सांप से। यहाँ पर एक वर्ड आया पनग्यो। पनग्यो का अर्थ होता है सर्प। क्या होता है इसका अर्थ? सर्प यानी सांप। तो इसमें कहा गया है कि योग्य अयोग्य का भेद गाय और सांप के समान होता है। योग्य और अयोग्य का भेद गाय और सांप के समान होता है। जिस प्रकार हम गाय को घास खिलाते हैं, तृण यानी घास, गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है, श्रम यानी दूध। गाय को घास खिलाते क्या मिलता है? दूध। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है, जबकि सांप को दूध पिलाने से जहर उत्पन्न होता है। सांप को तो दूध पिला रहे, फिर वो क्या दे दिया वगैरह में? जहर। क्योंकि गाय को क्या खिला रहे? ओनली घास, फिर भी क्या दे दिया हमें वो? दूध। इसलिए कहा गया है कि योग्य अयोग्य का भेद गाय और सांप के समान होता है। गाय को घास खिलाने से दूध उत्पन्न होता है, जबकि सांप को दूध पिलाने से जहर ही उत्पन्न होता है। शब्द देखिए, यथा खनन खनितेन नरो वारी अधिगृष्टि। यहाँ पर बनेगा वारी प्लस अधिगृष्टि, यण संधि है। जिस प्रकार कुदाल से, इसका अर्थ है कुदाल, भूमि खोदने का होता है ना कुदाल, इस प्रकार कुदाल से भूमि खोदता हुआ व्यक्ति जल प्राप्त कर लेता है। अगर किसी को जल पीने की इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो जमीन को खोदती हुई जल निकाल लेगा, यानी जिज्ञासु व्यक्ति। इस प्रकार कुदाल से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार सुश्रोता है जिज्ञासा, इसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी, विद्या को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इससे आगे अगर मनुष्य की इच्छा शक्ति है, मनुष्य में जिज्ञासा है, तो वह सभी तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सभी तरह की वस्तु प्राप्त कर सकता है। केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इसकी हिंदी बनेगी इस प्रकार, उदार से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु व्यक्ति, इसका अर्थ है जिज्ञासु व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक बार पुनः हिंदी में रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। पर्ची पर तीन रत्न है, जल अन्न और मधुवचन, लेकिन मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। दूसरा, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए, प्रिय वचन बोलने में कैसी तंदुरुस्ती। मनुष्य गुणों से ही समाज में सम्मान प्राप्त करता है, ना कि ऊंचे आसन पर बैठने से। जिस प्रकार महल के शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ के समान आचरण करने वाला नहीं होता।
फोर्थ, योग्य अयोग्य का भेद गाय और सर्प के समान होता है। इस प्रकार गाय को घास पिलाने से दूध उत्पन्न होता है, लेकिन सांप को दूध पिलाने से जहर ही उत्पन्न होता है। फिफ्थ, इस प्रकार उदार से भूमि को खोदता हुआ मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जिज्ञासु व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।